हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। जब काफ़ी सितारे एक साथ न्यूज़ में छाए हुए होते हैं तो या तो वो किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर होते हैं, या उन्होंने सोशल मीडिया में कोई ट्वीट किया हुआ होता है, या फिर मीडिया का कैमरा उन तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में काफ़ी सितारे जो है सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। तो बात करते हैं दो सितारों की जो दो दिन से काफ़ी सुर्खियों में बटोर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिम्भा नागपाल की, जिन्हें आप जो है देख रहे हैं नागिन जैसे शो में। फैंस को उनका किरदार पसंद आने ही लगा था, तभी एकता ने लीप दे दिया और कहानी पूरी बदल दी। और कहीं ना कहीं सिम्भा का रोल थोड़ा कम नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्रथा के या प्रार्थना के। अब बात आती है कि ऐसा सोशल मीडिया में क्या हुआ। सोशल मीडिया में इन्होंने जो है एक रील जो है सोशल मीडिया में नजर आई, जहां पे ये अनाथ बच्चों के साथ इंजॉय करते हुए नजर आए। जब न्यूज़ निकल कर आई कि इनका बर्थडे था और इन्होंने जो सेलिब्रेट किया वो जो है अनाथ बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया और खूब इंजॉय किया। तो ऐसे में काफ़ी सितारे ऐसे देखे जाते हैं जो कि बड़े बड़े सितारे जो है अनाथ आश्रम जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या गरीब बच्चों के साथ काफ़ी इंजॉय करते हुए नजर आते हैं। तो अब बात आती है दूसरे बड़े एक्टर की, यानी कि आपकी प्यारी तन्या शर्मा की, जिन्हें आप जो है ससुराल सिमर में रीमा का रोल करते हुए देख रहे हैं, यानी कि सिमर की बहन का। फैंस को इनकी स्टोरी, इनकी कहानी, इनका जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये कुछ हटकर ही करती हैं। लेकिन बात करें, कल इनका बर्थडे था, इन्होंने भी जो अपना बर्थडे है वो फैंस के साथ काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया, यानी कि इनकी फैंस जैसे हैली शाह उनके साथ काफ़ी इंजॉय करती हुई नजर आई। इनका ग्रुप हमेशा ही काफ़ी लंबे टाइम से जो है काफ़ी कह सकते हैं बेस्ट है, जो है छोटा है लेकिन वो काफ़ी बेस्ट है। तो इन दोनों सितारों ने अपना बर्थडे अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया। कलर के दोनों ही चेहरे हैं, दोनों में से आपको कौन सा चेहरा सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।